बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए सरसों का साग लेके आया हूं। बिल्कुल रिवायती और ट्रेडिशनल तरीके से आपको बताऊंगा कि इसका असल देसी टेस्ट किस तरह से निकाला जाता है, और साथ ही साथ आपको बहुत से स्पेशल और मुफीद टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि साग बनाने को लेके कौन सी बातें बहुत अहम है जो आपको पता होनी चाहिए। चलें जी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हमारे पास साग है। साग आपने कौन सा खरीदना है? बिल्कुल ग्रीन कलर के पत्ते होने चाहिए। अक्सर साग जो है उसमें येलो कलर के भी बहुत से पत्ते होते हैं, तो वो आपने नहीं लेना। दूसरी और अहम बात ये होती है साग की डंडियां यानी कि गंदले। गंदले कभी भी कंप्लीट नहीं उतारते, ठीक है। सिर्फ ये वाला येलोइश पार्ट आपने उतारना है जो ड्राई होता है। ये वाला जो ग्रीन और पानी से भरा पार्ट होता है ये आपने नहीं उतारना। इनको हम गंदले बोलते हैं और इन्हीं का जायका होता है। इसी की वजह से साग जो है वो बहुत ही क्रीमी और मुलायम बनता है। चलिए इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे बिल्कुल छोटे से साइज में। ये देखें आप, बहुत ही आसानी से कट जाता है। और अगली चीज़ जो साग के अंदर जाती है इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है हमारे पास पालक, ठीक है। पालक का तनासुब कितना है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। पालक की जब आपने कटिंग करनी है तो इसकी जो गंदले होती हैं, इसके जो ये तने होते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते जैसे हमने साग के यूज़ किए थे। अब इसकी भी हम सेम उसी तरह से कटिंग कर लेंगे। अब याद रखिएगा पालक साग, अब इसमें बाथू भी यूज़ होता है, बाथू भी एक किसी टाइप की चीज़ है, वो आजकल अवेलेबल नहीं है। ये सभी चीज़ों को आपने बड़ी काट के ना इस तरह से बहुत अच्छे तरह से खुले पानी से किसी बड़े से टब में इसको धोना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी डस्ट होती है, बहुत सी मट्टी होती है। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खूबसूरत सी एक कढ़ाई लेंगे और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1.5 किलो साग और 1/2 kg पालक, ठीक है। तीसरा हिस्सा पालक का है, तो इसमें जाएगा तकरीबन 1.5 ग्लास पानी का। अभी ये सारा इसमें नहीं आया क्योंकि काफ़ी फूली होती है। थोड़ी देर इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे हाई फ्लेम के ऊपर और 2 ही मिनट बाद ये नीचे बैठ जाएगा साग, ठीक हो गया। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरी मिर्चें ढेर सारी एक प्याली हैं, ये देख लें 4 से 5 टेबलस्पून है बड़ी कटी हुई। और अगली चीज़ ये है हमारे पास अदरक कुटा हुआ 1 टेबलस्पून, ठीक है। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम लहसुन बिल्कुल बड़ी कटा हुआ या कुटा हुआ 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा। यहीं पे इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर और थोड़ा सा इसको कर देंगे मिक्स। अब जो बाकी हमारे पास पालक और साग बचा हुआ था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये लें जी, अब आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है, ऊपर ढक्कन रख देना है। ध्यान से इसमें झाग सी बन जाती तो ये उबल के बाहर ना आ जाए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो यहाँ पे तकरीबन मैंने इसको 40 से 45 मिनट पकाया है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और अच्छी क्वालिटी का था, ये जल्दी गल गया। ये है हमारे पास मदनी, इसको मैशर भी बोलते हैं। इसके साथ हम क्या करेंगे, इस साग को कूटेंगे। कुछ लोग इसको ग्राइंड भी करते हैं, वो भी ठीक है टेक्निक, लेकिन इस तरह कूटने से ये बिल्कुल क्रीम नहीं बनता, ठीक है। थोड़ा सा ये दानेदार सा रह जाता है, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह से, यही टेक्सचर चाहिए। बिल्कुल आपने पेस्ट नहीं बनाना है इसका, और ये बहुत आपने फ्लेम ऑन करके बनाना है, इसको ड्राई कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम तैयार करेंगे तड़का, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास घी मौजूद है, देसी घी। आप चाहें डालडा घी यूज़ कर लें, लेकिन ऑयल के साथ ना तड़का लगाइएगा, ऑयल का इतना टेस्ट नहीं होता, ऑयल इतना कड़ारा नहीं होता, ठीक हो गया। 1 कप यहाँ पे मैं घी ले रहा हूँ, ज़रूर से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये रेसिपी ज़्यादा घी के साथ ही अच्छी लगती है। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तड़के के लिए प्याज है हमारे पास। अब ध्यान से देखिएगा, सारी टेक्निक केमिस्ट्री यहीं पर है। आपने इस प्याज को इसके अंदर पकाना है, लेकिन ब्राउन या ब्लैक नहीं होने देना। अगर ये डार्क हो गया तो जो कलर है, जो टेस्ट है, ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें हम मज़ीद अदरक ऐड कर रहे हैं। ये अदरक जो है ये तड़के की अदरक है, खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए नहीं है, ठीक है। हरी मिर्चें 3 से 4, 5 से 6, और ये है हमारे पास लाल मिर्चें खुश्क। अब आपने लो फ्लेम के ऊपर जब मिर्चें कर देनी ना, तो लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है। और प्याज का बस आपने क्या रखना है, जब ये गोल्डन सा हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, ये जो हमने साग और पालक को कूट लिया था इसको थोड़ा सा ड्राई भी कर लिया है। यहाँ पे भी एक बहुत अहम बात, बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी होती है। इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं और जो हमने तड़का ऐड किया था उसको इसमें डाल लेते हैं। थोड़ा सा तड़के से मैंने ऑयल जो है वो निकाल लिया था बाद में यूज़ करने के लिए, ठीक हो गया। अब हम इसकी करेंगे मिक्सिंग। अब यहाँ पे जो अहम तरीन बात है वो ये है कि साग के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, पोपला सा साग के अंदर अगर आपका पानी नज़र आ गया ना, तो आपका साग बिल्कुल भी टेस्टलेस होगा, बिल्कुल भी उसका मज़ा नहीं आएगा। आपने इसको पकाना है, 1 टीस्पून नमक जाएगा, मसाले बहुत कम, और ये है 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च।
कोई इसमें आप हरा धनिया, जीरा, गरम मसाला कुछ भी आपने ऐड नहीं करना। हम इसका बिल्कुल ट्रेडिशनल और जो रिवायती टेस्ट है वो लेके आएंगे, जो कि मिठास में होता है। तो इसकी हम करेंगे मिक्सिंग। और अहम बात जो मैंने आपको बतानी थी कि इसके अंदर आपने पानी नहीं रहने देना, अच्छे से इसकी आपने पकाई करनी है, यहाँ पे भुनाई करनी है और इसको आपने बिल्कुल चमकदार कर लेना है, ठीक है, जैसी लुक आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड में इसके ऊपर हम धनिया ऐड करेंगे और धनिया ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। आपको जो यहाँ पे लुक नज़र आ रही है ना, आपने ये लुक लेके आनी है। अगर इसके अंदर पानी पानी हुआ तो इसका टेस्ट नहीं आएगा और बिल्कुल भी मज़ा जो है वो नहीं आता। चलें जी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो इसने हमारे हाथों में हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एंड पे ऑयल मैंने जो निकाला था तड़के से वो ऐड किया है। इसी तरह से इसको सर्व करें। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आप घी का इस्तेमाल करें। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जानसार को इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।